आपका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बूंदी का रायता बनाएंगे। बूंदी का रायता सभी को बहुत पसंद आता है, खाने में ये बहुत टेस्टी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए बूंदी का रायता बनाना शुरू करते हैं। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम दही लिया है, एक कप मैंने यहाँ पर रायते वाली बूंदी ली है जिनको मैंने 10 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था, जो कि अब खुलकर बिल्कुल नरम हो चुकी है। आधा छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, एक पिंच हल्दी, आधा छोटी चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक छोटी चम्मच घी तड़का लगाने के लिए। चलिए अब हम बना लेते हैं। रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम दही को विस्कर की सहायता से फेंट लेते हैं। अब इसमें हम ये बूंदी डाल देंगे, इस तरह से एक्स्ट्रा पानी उसका निकाल देंगे। बूंदी डालने के बाद इसमें हम ये भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, और इनको हम मिला लेंगे। इनको हमें ज्यादा बीट नहीं करना, बस हल्के से मिला लेना है। अब इसमें हम तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी चम्मच ली है, आप तड़का पैन का भी यूज कर सकते हैं। इसको हम गैस पर रख देंगे और गैस को चला देंगे। अब इसमें हम ये घी डाल देंगे। घी को हम गर्म होने देते हैं। घी गर्म होने पर इसमें हम ये जीरा डाल देंगे, थोड़ी देर इसको हम इसी तरह गैस पे रखेंगे। गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे। हमारा तड़का तैयार है। अब इसमें इसको हम रायते में डाल देते हैं। अब इसमें हम ये एक पिंच जो हमने हल्दी ली थी ये डाल देंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से हिला लेंगे ताकि हमारी हल्दी भी अच्छे से सिक जाए। और अब इसको हम रायता में डाल देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे ताकि जो रायता हमारा उछले ना। एक मिनट इसी तरह ढके रहने देंगे इसको हम, ताकि जो भी हमारे रायते में जीरे की खुशबू है वो बनी रहे। एक मिनट बाद हम इसमें इसको अच्छे से मिला लेंगे। और लास्ट में ये याद सर्व करते वक्त नमक डालें, क्योंकि नमक डालने से दही खट्टी होने लगती है, इसलिए या तो सर्व करते वक्त नमक डालें या सबसे लास्ट में नमक डालें। अच्छे से मिला देंगे। लीजिए हमारा रायता बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रायता बना है। अगर आप थोड़ा सा पतला रायता पसंद करते हो तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत कम समय में बन जाता है। आप भी अपने घर में बनाएं, खाएं और आपके जो भी कमेंट्स हैं मेरे चैनल पर शेयर करें। बूंदी के रायते की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखें। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन को क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी देखने के लिए आपका धन्यवाद।